हाय गाइस, टुडे इज 16th और आज हमारा हाउस डे है, विच इज लाइक अ फेयरवेल पार्टी फॉर सीनियर्स, हॉस्टल सीनियर्स. तो सभी हॉस्टल्स का होता है एंड हमारा आज है. हमारा थीम मनी हाइस्ट है, बट हम लोग साड़ी पहन रहे हैं क्योंकि पहले थीम बॉलीवुड होने वाला था, तो फिर हमारा वही मन था. तो हम दी और मैं सेम सी कलर की साड़ी पहन रहे हैं और हम डांस परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं, जिसकी अभी हमने प्रैक्टिस करी है. कल भी मैं उदयगिरी के हॉस्टल वाले हाउस डे में गई थी, उनका थीम गोवा बीच पार्टी था. तो ये उसके कुछ क्लिप्स हैं जो हमने वहाँ पे डांस वांस किया था. काफ़ी इमोशनल सा हो गया है क्योंकि ये मतलब पिछले साल हमने सीनियर्स का हाउस डे देखा था एंड उसके बाद मतलब अब हमारा हो रहा है, तो काफ़ी रियल भी हो गया है. ऑल्सो इसमें लाइक वो भी होता है कि ना किस बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे के हॉस्टल में आ सकते हैं एंड 1 आवर के लिए रूम तक भी आ सकते हैं, बाकी हॉस्टल्स में आ सकते हैं. तो मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं एंड ऑल्सो लाइक व्लॉग दैट. तो अभी आई हैव वॉश माई फेस एंड आई विल वेयर द साड़ी और फिर हम रेडी होंगे एंड देन आई शो यू कि कैसा होता है फेयरवेल एंड हाउस डे यहाँ पे. एंड या लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. मैंने पहन लिया है ब्लाउज और ये निधि अभी अपना आईलाइनर लगा रही है. निधि हमारी कोरियोग्राफर है, तो अगर डांस अच्छा हुआ या गंदा हुआ तो निधि कोरियोग्राफर है, पर अगर तुम लोग भूल गए तो अभी हम एक बार साड़ी के साथ भी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर देखते हैं. अब बस निधि मेरे को एक और बार साड़ी पहनाएगी, बस फिर हमारा सफर खत्म. भाई यार सॉरी, मैं मेरे फ्रेंड को लेने जा रही हूँ पास लेके. मैं डांस करेंगे क्या? मैं डांस करेंगे, इतना अच्छा भी नहीं है. अब हम फाइनल रिहर्सल करने वाले हैं. बिफोर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, निधि ने तो क्या हुआ है जीडी में. मैं पहली बार कॉलेज में स्टेज पे परफॉर्म करने वाली हूँ, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो. जो भी है भाई, प्लीज निधि. ओके, तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं. ये मेरी दोस्त है आयुषी और ये उसका फ्रेंड है निर्भय. हाँ, मेरा फ्रेंड है निर्भय. फ्रेंड. अरे तुम सब लोग लिखते रहते हो ना आयुषी दीदी ये वो, अब देखो आयुषी दीदी क्या लग रही है. और ये निधि दीदी. नहीं नहीं. और ये है कृतक, ये भी मेरा फ्रेंड है. भाई कोई कमेंट कर राइट आ रहा है. हाँ बहुत लग रहा है. प्लीज कर देना यार, बिग अवार्ड तो मिल गया थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, बट अब डांस भी करना है, वो थोड़ा डर लग रहा है. पास ही रहते, बुला लेंगे घर से. नहीं बुलाना डायरेक्टर को, नहीं दिखाना डायरेक्टर को डांस. बिल्कुल यार, ये रिकॉर्ड करते हैं ना कि लोग तीतर बितर कैसे हो रहे हैं. हेलो ऑडियंस, ओ
यहाँ लेके आए हो ओपिनियंस? बढ़िया जगह है, तो मेन बिल्डिंग दिखती है पीछे तुम्हारे ओट जैसा है। हाँ वो तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है जहाँ मैं आया हूँ। अरे ये ना लोगों के भाई में जैसे पानी के साथ मैं व्लॉग करना भूल गई बीच में कंटेंट तो मैं तो नहीं डाल रही, मेरे को लग रहा है एक मिनट का व्लॉग होने वाला है, उसमें भी सिर्फ लड़के 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 ही दिख रहे हैं। हमारा बच्चा यही कंटेंट चाहिए। मैं नहीं डाल रही भाई। आयुषिन थोड़ी गुस्सा हो गई है क्योंकि वो मुझे सोशल लेके जाना चाहती है, पर एक्चुअली हैप्पी डे था, आज तो हैप्पी डे था। तुझसे गुस्सा नहीं है, मुझसे गुस्सा है। प्लीज निर्भय, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ हर यूनिवर्स, ओके? प्लीज आई एम। थोड़ी दिक्कत हो गई है इसलिए मैंने सब लड़कों को बाहर निकाल दिया और एक एक करके आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने। क्या हो गया, सब भगा रहे हैं यहाँ तो बैठ नहीं सकते थे, पर फिर भी तुम जा रहे हो। अंकल आपके साथ एक वीडियो बनानी है, जाना। Everybody knows that I'm a good girl, officer. ये हमारा ओट है और यहाँ पे आयुषी और मैंने नहीं दिख रहे, हमने टॉक्स करी है काफी। यही हाउस डे का पर्पस होता है, सीनियर जूनियर फ्रेंड्स बॉन्डिंग। तो हमने मून भी था, मूनलाइट में हमने काफ़ी पर्सनल डिस्कशंस कर रहे हैं और हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि हमें बस ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। आयुषी और कुछ कंक्लूजन है? मैं असल तमाम का कोट रिपीट करना चाहूँगी, लिव योर इम्परफेक्ट लाइफ रादर देन लिविंग समबडी एल्स परफेक्ट लाइफ। वाओ नाइस नाइस डिस्कशन। और अब हमने खाना नहीं खाया था, हम बहुत बिजी थे हाउस डे में, तो अब हम नूडल्स खा रहे हैं।